इस बार आबकारी विभाग 31 दिसंबर और नए साल के चलते अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। साथ ही एक दिन का परमिट मांगने वालों के लिए भी उन्होंने कई नियम बनाए हैं। ऐसी जानकारी आबकारी विभाग के निरीक्षक राव साहेब कोरे ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल 3,44,19,150 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। नए साल को शुरू होने को बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नागरिक नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे हैं। वहीं होटल, क्लब, लॉन, फार्म हाउस से लेकर रिसोर्ट संचालक तक इन सभी ने नागपुर के आबकारी विभाग में एक दिन के लिए परमिट की मांग की है। आबकारी विभाग नागपुर के निरीक्षक राव साहेब कोरे ने बताया कि इसके लिए अब तक 47 आवेदन आ चुकी है, लेकिन आबकारी विभाग ने किसी का परमिट मंजूर नहीं किया है। उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन में जगह की जांच की जाएगी और उसके बाद ही योग्य आवेदन को मंजूरी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए भी अर्जदारों को ऑनलाइन चालान भरना होगा, उसके बाद ही उन्हें अप्रूवल मिलेगा। एक दिन के परमिट के लिए आबकारी विभाग 20,000 रुपए, जबकि आपसी पार्टी के लिए 10,000 रुपए और ग्रामीण भागों में होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए 3,000 रुपए शुल्क वसूल करेगा। निरीक्षक कोरे ने बताया कि सार्वजनिक जगह पर जो सेवा देगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि होटल्स, रेस्टोरेंट में शराब नहीं बेचने पर भी सिर्फ बैठने वालों की व्यवस्था की, इसलिए उन पर धारा 68 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उन्हें 3 साल कैद व 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। ये कार्रवाई होटल मैनेजर के साथ साथ जिसकी जगह है उस पर भी की जाएगी और नजर रखी जाएगी कि यहाँ अवैध रूप से तो शराब की बिक्री नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुविधा तकरार इस पोर्टल पर अवैध शराब बिक्री की संबंधित शिकायत कर सकते हैं। आबकारी विभाग की आयुक्त प्राजक्ता लवंगरे ने अवैध शराब बिक्री और नकली शराब संबंधित शिकायत करने के लिए सुविधा तकरार नाम का पोर्टल बनाया है। इसके जरिए शिकायतकर्ता व्हाट्सएप टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत कर सकता है। खासकर इसमें शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रहेगा, इसलिए अपने आसपास चल रहे अवैध शराब अड्डों की जानकारी देने का आह्वान भी नागरिकों से विभाग ने किया है। सुरक्षा के मद्देनजर आबकारी विभाग ने 10 दस्ते बनाए हैं, जिसमें 6 एग्जीक्यूटिव अफसर, 2 एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर और 2 उड़न दस्ते के इंस्पेक्टर, ऐसे कुल 10 टीम बनाई गई है। इस टीम में 20 सब इंस्पेक्टर भी शामिल रहेंगे। टीम के पास 10 गाड़ियां रहेगी, जिससे वो शहर के कोने कोने में नजर रख पाएंगे। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त प्राजक्ता लवांगरे मॅडम यांनी सुविधा तक्रार नावाचं एक पोर्टल तयार केलेलं आहे। त्यामध्ये व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे, टोल फ्री क्रमांक दिलेला आहे आणि यामध्ये जिथं जिथं इनलिगल तुमच्या लक्षात येईल किंवा इथं इनलिगल दारू विकली जाते, इनलिगल निर्मिती केली जाते, तर अशा पद्धतीच्या कोणत्याही तक्रारी त्या पोर्टलवर गेल्या तर तक्रारदाराचं नाव गुप्त राहील। तक्रारदाराचं नाव कुठल्याही परिस्थितीत बाहेर येणार नाही आणि त्या तक्रार निवारण कक्षामध्ये तक्रार गेल्यानंतर अगदी ऑनलाईन 1 मिनिटाच्या संबंधित जिल्ह्याच्या अधीक्षकांच्यापर्यंत ती तक्रार येते आणि अधीक्षक साहेब ती तक्रार संबंधित इन्स्पेक्टरकडे पाठवतात। आणखी त्याच्यावर सातत्यानं लक्ष ठेवून अगदी 1 ते 2 दिवसामध्ये त्या तक्रारीचं निवारण केलं जातं, त्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाते आणि तक्रारीचं क्लिअर करून ऑनलाईन त्याची माहिती कळवली जाते। अवैध शराब बिक्री, नकली शराब बिक्री, शराब पीकर हुड़दंग करने वाले जैसे कई मामलों में आबकारी विभाग ने इस साल 3,44,19,150 रुपए का जुर्माना वसूला है। पिछले साल 2018 में 2,30,35,286 रुपए जुर्माना वसूला था। इस साल आबकारी विभाग ने 2,276 आरोपियों पर कार्रवाई की, जिसमें 270 आरोपी ऐसे है उन्हें जुर्माने के साथ सजा हुई है। यामध्ये दुसरी बाब एक सगळ्यात महत्त्वाची अशी आहे की गेल्या वर्षभरामध्ये नागपूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कारवाया झालेल्या आहेत। यामध्ये प्रामुख्यानं 2,439 आरोपींच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे। ती जानेवारी 2019 पासून अगदी कालअखेरचे हे आकडे आहेत। यामध्ये 3,44,19,150 इतक्या किमतीचा मुद्देमाल सीज करण्यात आलेला आहे। यामध्ये जे अटक आरोपी आहेत त्या अटक आरोपींची संख्या आहे 2,276। त्या 2,276 पैकी या वर्षभरामध्ये 270 लोकांना 4,500 पासून 5,000 पर्यंत शिक्षा झालेली आहे आणि ती रक्कम त्यांनी अदा नाही केली, भरली नाही कोर्टामध्ये, तर त्यांना 3 दिवसापासून 30 दिवसापर्यंत कारावासाची शिक्षा पण झालेली आहे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के चलते शराब की खपत बढ़ जाती है।
ऐसे में नकली शराब भी बड़े पैमाने पर बाजार में बेची जाती है, इसलिए नकली शराब विक्रेताओं से सावधान रहने का आह्वान भी नागरिकों से आबकारी विभाग ने किया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़े के साथ एकता गैरवार की रिपोर्ट।